जेमरे, मैं अपनी माँ को माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि सिर्फ तुमने कहा है, और मैं ये सब सहन नहीं करूँगी। मैं भूल नहीं सकती, जो भी उन्होंने मेरे साथ किया है मैं नहीं भूल सकती। सुना जिया, हमने कल क्या बात की थी तुम्हें याद नहीं है क्या? हमारी असली दुश्मन कौन है? मैं रेहान से भी नफरत करती हूँ। मैं उन दोनों में से किसी को नहीं देख सकती। तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी किया था रेहान की वजह से किया था। वो शुरू से जानती थी कि वो लड़की इस घर के लिए ठीक है ही नहीं, इसीलिए किया। जरा याद करो कि रेहान के यहाँ आने से पहले सब कुछ कितना सही चल रहा था। मैं यहाँ हर हफ्ते ब्रेकफास्ट के लिए आती थी, याद है? तुम सब एक दूसरे से कितने क्लोज थे। मुझे जलन होती थी। आंटी से गलतियां हुई हैं, जानती हूँ, समझती हूँ, पर वो सिर्फ इस घर के लिए लड़ रही थी ताकि वो पुराने दिन इस घर में वापस आ सकें। अगर तुम उस वजह से अपनी मॉम से नफरत करती रही, उनसे दूर रहना चाहती हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जो करो। पर मुझे लगता है वो गलत होगा। मैं बस इतना कह रही हूं सुना, कि अपने असली दुश्मन को पहचानने में गलती मत करो। वो बस एक ही है। सुना, तुम यहां से चली जाओ। सुना, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। पर मेरे पास है, प्लीज सुनो। क्या मैं कोई मर्डरर हूं, या फिर मैंने ऐसा कोई क्राइम किया है जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? वैसे मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई थी। पर मेरी वजह से जो परेशानी हुई हो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। सच कहूं तो सब कुछ सही करने के चक्कर में मैंने सब बर्बाद कर दिया। उम्मीद करती हूं कि तुम एक दिन मुझे माफ करोगी। बस इतना ही चाहती हूं मैं तुमसे सुना। मैं तुमसे बातें करके थक चुकी हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमरे, आखिर तुम जीत ही गई। मैं थक गई हूं और अब मैं तुमसे और नहीं लड़ूंगी। काश कि तुम ये पहले ही सोच लेती रेहान, सोचा होता तो इतना कुछ नहीं होता। क्या कहते हैं, कभी नहीं से देर भली, तो ठीक है, आखिर तुम समझ ही गई। तुम सही कह रही हो, कभी नहीं से देर भली। पर जेमरे, ये बात भी याद रखना कि सच भी नहीं छिपता, कभी ना कभी बाहर जरूर आएगा। एक दिन तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा जेमरे।